एक्टर ऋतिक रोशन ने आमिर खान को एक स्पेशल बैंग बैंग डेयर चैलेंज दिया था और आमिर ने भी ऋतिक के इस चैलेंज को हैपिली एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब तक आमिर ने इस चैलेंज को पूरा नहीं किया है। ऐसे में ऋतिक ने ऐलान कर दिया है कि वो आमिर को अब एक पनिशमेंट देंगे। हमारे बच्चों के लिए ये एक बहुत खराब सीख है, यू कांट चीट। तो मैंने पनिश्ड हिम नाउ, पनिशमेंट दी मैंने उनको, एंड ही हैज टू नाउ डू अ बैंग बैंग डांस एंड इन बैंग बैंग स्टाइल। तो चीटर की सजा ये है, सख्त सजा ये है। वेल, बैंग बैंग स्टाइल में आमिर को डांस करते देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे इस फिल्म को जिस तरह इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला है उससे ऋतिक काफी ज्यादा खुश हैं। सबको बुलाया है, द एंटायर इंडस्ट्री हैज कम टुगेदर सो ब्यूटीफुली फॉर दिस फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ये जो बैंग बैंग डेयर था उसके जरिए वी हैव सेट एन एग्जांपल दैट वी आर हियर वन फॉर ऑल फॉर वन एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। इट इज ब्यूटीफुल। आई थिंक वी एज ह्यूमंस, आई मीन इट्स अबाउट टाइम वी प्रूव दैट we are bigger than our movies, we are bigger than the fame, we are bigger than the money. As people we are here for each other, we are here to contribute to each other. That's the way, that's the spirit of my industry. वैसे इस फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज है। ऐसे में मीडिया ने ऋतिक से फिल्म के कलेक्शन को लेकर सवाल पूछा जिसे ऋतिक ने टाल दिया। पैसों का खेल वेल तो किसी और के हाथ में है, हमने अपना काम किया है। जो आप कह रहे हैं 100 करोड़, 200, 300, पता नहीं क्या, दैट इज वैसे ये मौका था फिल्म बैंग बैंग की स्क्रीनिंग का। यहाँ फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। फिल्म की एक्ट्रेस कतरीना कैफ भी यहाँ नजर आई, लेकिन उन्होंने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की। इन सेलिब्रिटीज के अलावा हमने यहाँ डायरेक्टर अभिषेक कपूर, अदिति राव हैदरी और टाइगर श्रॉफ को स्पॉट किया। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।